भाव भी आ जाते हैं। अच्छा बोनट भी सारा गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ एहसन। व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। मैंने आपको आज दो बैड न्यूज़ देनी है। बैड न्यूज़ क्या है? पहली तो ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी व्लॉग कर रहा हूँ इसी वजह से मुझे ना रैंडम बोलना पड़ रहा है। खैर, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से ना मेरे व्लॉग तो बहुत छोटा सा होगा ये, मगर ये पहली बैड न्यूज़ थी। दूसरी बैड न्यूज़ बड़ी ये है कि हमारी एक और गाड़ी है मेरे भाई की, मतलब भाई हैं, दोस्त हैं, भाई सारा कुछ ही है वो, तो उनकी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट कैसे हुआ कि कल ना नहर पे किनार रोड पे वो आ रहे थे, अंडरपास एक क्रॉस किया उन्होंने, सेंटर में थे, पीछे एक गाड़ी थी उसने डिपर दिया, वो डिपर मतलब उन्होंने नहीं देखा, वो रेडियो चला रहे थे या कोई गाना शाना, तो वो ऊपर से आया, उसने आगे तीन चार दफ़ा इनको तंग किया, मतलब ब्रेक श्रेक किया इनके आगे आगे, साइड इनकी दुबाई है, मतलब इनको नीचे लाने की कोशिश की, इनको गुस्सा आया हुआ था, इन्होंने पीछे से गाड़ी ला के 100 की स्पीड पे ठोक दी। तो खैर अब चलते हैं उस गाड़ी के पास, देखते हैं क्या नुकसान हुआ है। तो जी हम पहुंच गए गाड़ी के पास, ये गली मुड़ते साथ ही ये इस गली की लास्ट में एक लेफ्ट साइड पे वर्कशॉप है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, चलते हैं देखते हैं क्या बना उसका। ओ ये गाड़ी का क्यों है, ओए होए तबाह हुई आ जाते हैं। सारा फ्रंट दबा हो गया। अच्छा बोनट भी सारा गया। मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी को असल में हुआ क्या है। सीन ये हुआ है, गाड़ी लॉक है। अच्छा सीन ये हुआ है कि जब ये गाड़ी सेंटर में थी ना, अपनी जरा जब ये गाड़ी सेंटर में थी ना, इसको ना पीछे से एक बंदा यारिस वाला क्रॉस कर रहा था, मतलब पीछे से लाइटें मार रहा था कि भाई साइड पे जा, ये ऐसे मूछ का नीचे था तो अपना वो ना चला रहा था, क्या टेप जो होती है ना गाने, वो ऐसे क्रॉस करके आ गया है ऊपर वाली लाइन में, मतलब ये सेंटर में ऊपर वाली लाइन से क्रॉस करके आ गया है, आगे आके उसने पहले यहाँ पर आके गालियाँ दी हैं गाड़ी के अंदर से, उसके बाद ऐसे क्रॉस किया, आगे जाके ना उसने ब्रेक मारनी शुरू कर दी, मतलब ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा वापस आया ऐसे करके साइड, मतलब दुबई है इनकी, ये नीचे की तरफ आए हैं, इन्होंने मतलब गुस्सा किया उसको थोड़ा सा, उसको कहा जा यार तू, फिर उसके बाद इनको गुस्सा आ गया, तीन चार दफ़ा उसने ऐसे ब्रेकें मारी हैं, इन्होंने ऐसे गाड़ी की ब्रेक दबाई ऐसे पीछे आ गए उसके, थोड़ा सा स्लो करके गियर निकाला है, फुल स्पीड में जाकर उसके पीछे हिट की, उतनी देर को वो साइड पे हो गया था, तो इनकी जो है ना ड्राइवर साइड वो उसकी पीछे वाली लेफ्ट पैसेंजर साइड पर लगी जा रही, तो इनकी आगे से साड़ी तबाह हो गई मसाम नहीं आपके, ये लाइट गई, ये गया सारा बोनट गया, फ्रंट बम्पर सुराख हो गया, तो उसका जो सा ना इनका तो है 20-25 का, अभी देखते हैं कितने का नुस्खा होगा, जाली भी फटी है सारी, तो उनका जो सा ना मतलब वो जो बंदा था उसकी बैक साइड सारी जो सी है ना, मतलब इधर वाली लाइट, ये लाइट के निशान भी पड़े हुए हैं, तो इनकी जो उसकी जो है ना ग्यारस वाले की, उसका तकरीबन काफ़ी नुकसान हो चुका है, मतलब तकरीबन इन्होंने बताया था कि गाड़ी पूरी बहुत लाल या वो गाड़ियाँ हल्की हैं ज़रा, पूरी अंदर घुसकी गाड़ी, जिसकी वजह से ना उसका तकरीबन 80,000-90,000 का नुकसान हो गया है। देखिए क्या बनता है, लगे तो सही करवाते हैं। सर जी मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है ये चीज़ जान के कि इसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये मेरी फेवरेट गाड़ी है, मतलब फेवरेट से मुराद बहुत ज़्यादा फेवरेट, मैंने इस पर बड़ा मज़ा किया हुआ, मज़े से मुराद मैं बड़ी अच्छी चलाता हूँ इसको ना, मुझे बड़ी पसंद है ये गाड़ी, तो खैर मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है उस बंदे पे जिसने तंग किया अमर भाई को, और तबीयत भी ख़राब हो रही है, हीट निकल रहा है पूरे मुँह से, इसलिए मैंने आसिफ भाई को बोला, मैंने कहा यार हम चलते हैं घर, तो जैसे ही आबिद भाई आएंगे ना, क्योंकि वो भी यहाँ पे नहीं थे, मैंने कहा जैसे वो आएंगे ना वैसे हम भी आ जाएंगे, अगर तो आ सके तो, नहीं तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आसिफ भाई की भी तबीयत ख़राब है, मेरे घर में तकरीबन सारे बीमार हैं,
तो देखते हैं क्या बनता है, चलते हैं घर अपने। हाँ जी, तो दोस्तों हम आ गए हैं वापस बहुत ही लंबी ब्रेक के बाद। ब्रेक इसलिए क्योंकि मेरी बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अभी धूप सेक रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो धूप भी काफ़ी, सूरज हवा नेजे भी है, जैसे खैर इतनी नहीं है मगर मज़ा आ रहा है। बाकी परिंदे बहुत प्यारा व्यू दे रहे हैं, एक तो वो देखो। ओ खैर, तो हम आ गए हैं वापस एक लंबी ब्रेक के बाद। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब कल परसों ठीक हो गई थी, तो मैं उसकी वीडियो नहीं तैयार कर सका क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ख़राब थी। यार ये आहिस्ता आहिस्ता परिंदे करीब आते जा रहे हैं, एक मिनट दिखाते हैं। ये देखो, एक तो ये है और एक अभी आएंगे, वो नहीं निकल गया साइड पे। खैर छोड़ो उनको, अच्छा तो गाड़ी हमारी ठीक हो गई थी, मैं उनको कवर नहीं कर सका गाड़ी के वो जो मामला थे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा फिर अभी मैं फ्री बैठा हूँ, मैं तो व्लॉग को एंड कर दूँ। तो इंशाल्लाह अभी बाहर जाऊँगा तो आप लोगों को वो भी मैं दिखाऊँगा, सही है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में कुछ देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।